टेम्परेचर अभी बढ़ा रही है। चलते रहो चलते रहो। हेलो ये केक पे जाकर गाड़ी रोक देना, हम करेंगे चल। Come on!
99% मुस्लिम आबादी को उजाड़ने पर इस प्रदेश का हाल चलते रहता है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री लगा है, इस प्रदेश की सरकार लगी है, और किस प्रकार से उत्तरकाशी किस प्रकार से उत्तरकाशी के अंदर मंदिर में प्रवेश करने पर एक दलित समाज के बच्चे को ये कहकर पिटाया, किसने धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाई है। अरे अगर मैं इस माइक के माध्यम से किसी को धार्मिक टिप्पणी करना हो, किसी देवी देवता पर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, तो उसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहते हैं। एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में चला जाता है तो ये संगीत हो, ये धर्म का ठेकेदार, ये वो अनुभव जो 10 दिन पहले वो पठान पिक्चर पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो भक्तों, खास तौर से भाजपा के अनुभव में जो छोटी छोटी बातों को 200 रुपए का रिचार्ज कराकर फेसबुक व्हाट्सएप पर उसका झूठा प्रचार करते हैं, झूठा बखान करते हैं, मैं इन भक्तों को कहने के लिए आया हूँ कि जिस प्रकार से तुमने दुष्प्रचार किया है उत्तरकाशी प्रकरण का, कि उत्तरकाशी के अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उस व्यक्ति ने किया है। मैं कहता हूँ अपने समाज के लोगों को निवेदन करता हूँ कि तुम इनके मंदिरों का बहिष्कार कर दो, इनके मंदिरों में जाना छोड़ दो, और मंदिरों की जगह स्कूलों की घंटी बजाना शुरू कर दो। तुम शिक्षा को अपना लो, मंदिरों को धुंकार दो, इनके मंदिरों में तुम लोग चढ़ावा लेकर जाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, भला इन मोटे पेट वालों का होगा जो मंदिरों में पुजारी बने बैठे हैं। इनकी संपत्ति का अगर जायजा लिया जाए, पहरा लिया जाए, तो देश में सबसे बड़ी संपत्ति इन्हीं मठाधीशों के पास में है, इन्हीं मंदिरों के पास में है। तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, तुम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ, इन्हें जागरूक करो शिक्षा के प्रति, और इस देश में अच्छी अच्छी नौकरियों पर भेजो जब तुम्हारा भला होने वाला है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है, मेरे यूपी साथी के द्वारा हमें मैसेज मिला कि मेरे पास समय नहीं है। एक दलित समाज के बच्चे को मारा गया, पीटा गया, हल्द्वानी में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया, 99% मुस्लिम आबादी है, मुसलमानों को टारगेट किया गया, तो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के पास में समय नहीं है। मैं भी कसम खाता हूँ कि ये जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, जब तक हटने वाले नहीं है, जब तक ये जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब आकर हमारा काम करेंगे, और अगर ज्यादा तीरंदाजी करेंगे तो यहाँ बाहर रोड चल रहा है, मैं सारी पब्लिक ले जाकर रोड पर गिर दूंगा, फिर आना पड़ेगा, आना आपको ही पड़ेगा, ज्ञापन लेना आपको पड़ेगा, हमारे बीच में आना पड़ेगा। ये तो सामना करने के लिए भी हमारे लोगों को खड़ा कर देते हैं, हमारे लोगों को जिम्मेदारी दे दिया जाती है, हमारे आंदोलनों में हमारे लोगों को हाथ में लठ दे दिया जाता है कि आंदोलन करने वाले लोग भी तुम्हारे होंगे, पीटने वाले लोग भी तुम्हारे होंगे, पीटने वाले भी तुम्हारे होंगे। लेकिन मैं अपने साथियों का आश्वासन देता हूँ, जो प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं और बड़ी हिंदुस्तानी के साथ में हमारे साथ में पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वंशज है, भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी गलत करते कोई संगी मानसिकता के लोगों में तरह हम अंजाम देने के लिए नहीं आए।
जानते हैं इन अंध भक्तों की तरह काल्पनिक इन अंध भक्तों की तरह काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर इनमें दर्द है अगर इनमें दर्द है तो मेरे सामने आकर बैठ कर डिबेट करो। तुम राम पर चर्चा करना, मैं भीम पर चर्चा करूंगा। देखते हैं कौन ताकतवर होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश का संविधान लिख दिया, आज ये देश उस संविधान के आधार पर चल रहा है। मैं भीम की चर्चा करूंगा, तुम राम की चर्चा करना। देखते हैं कौन बलशाली। लेकिन आज पूरी तरह से ताकत में बैठे हैं ये इस समाज को टारगेट करके, इस समाज को प्रताड़ित करते हैं, इस समाज को मारते हैं, पीटते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि ये कानून ने हाथ बांधे हुए हैं, नहीं तो कमजोर हम 1818 में भी नहीं थे। तुम लोगों ने 500 महारों ने 28,600 की फौज को 1818 में ध्वस्त करने का काम किया था। ये तो कानून ने हाथ बांध रखे हैं, नहीं तो जितनी ताकत है उतनी लगा देना और पाड़ा खींच कर आ जाना, बता देंगे तुम कितने ताकतवर हो। रहा है उधर की मंदिर में प्रवेश करने पर हमारे बच्चे को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। आज का बच्चा जिसकी मानसिक स्थिति ठीक है, आज का बच्चा जो कौन हॉस्पिटल में एडमिट है, तो किस प्रकार की सरकार, किस प्रकार का प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, मुझे यह कहने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि एक अगर किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति के साथ में गलत होता है, उसे मना चल जाती है, तो मुख्यमंत्री जाकर उसके घर पर संज्ञान एक बच्चे को मार दिया जाता है। हल्द्वानी के अंदर 99% मुस्लिम आबादी को टारगेट किया जाता है, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान पर किसी भी प्रकार से जू नहीं रही थी। किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री को कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं कहता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री, प्रदेश में इतनी सारी घटनाएं हो रही है, दलित समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, काय के नाम पर, राम के नाम पर। मैं कहता हूँ ये भीम आर्मी के साथ ही अपने मुस्लिम समुदाय के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम देखते हैं तुम्हें कौन काय के नाम पर मारता है, तुम्हें कौन राम के नाम पर मारता है, तुम्हें कौन टोपी के नाम पर टारगेट करता है। तुम पर चलने वाली गोली पहले भीम सैनिक का सीना चीर कर आएगी। लेकिन तुम विश्वास करना सीखो, तुम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हो। पिछले 7 साल से यही चिल्लाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है आप लोगों को कि आपके सुरक्षा में एक संगठन खड़ा है, एक नेता खड़ा है, भाई चंद्रशेखर आजाद, जो पूरे देश के अंदर आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करता है। और अगर इन भक्तों तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो, लाइव वीडियो चल रही है, 200 रुपए का रिचार्ज कराने वाले 360 करोड़ लगभग सालाना कमाई करने वाले शाहरुख खान पर रोड पर मारना चाहते थे, 249 वाले रिचार्ज वाले, 249 रुपए के रिचार्ज कराने वाले 360 करोड़ सालाना कमाने वाले व्यक्ति को रोड पर मारना चाहते थे। आ गया रोड पर। मूवी इतनी हिट है कि जिसकी कोई बोली, मैं भी आपको कहना चाहता हूँ जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, देखो पठान मूवी, छक छक, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस कर दो, इनके मुंह पर तमाचा लग गया है, इनके मुंह पर तमाचा लग गया है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ गाय गोबर मूत्र और कुछ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम गाय गोबर मूत्र है, इनके पास और कुछ नहीं है समझने के लिए। इनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, इनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, इनके पास अच्छी चिकित्सा नहीं है, इनके पास नौकरियां नहीं है। ये अगर तुम नौकरियां मांगते हो तो ये तुम पर चार्ज कराते हैं, तुम्हें मारते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुमको पाटते हैं। तरक्की करना शुरू कर देगा। अब आग्रह कर रहे हो कि यहाँ हमें जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो जितने भी प्रशासनिक लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब गंगनहर से और हमारे LIU के सब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं, आप अपने आला अधिकारियों से बात कर लीजिए, 5 मिनट के लिए
अपना समय निकाल कर ज्ञापन लेने के लिए आए, नहीं तो फिर 5 मिनट के चक्कर में ऐसा हो कि 5 घंटे हम यहाँ बैठे रहे, कुछ नहीं सर अंदर। और यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं सीओ साहब को, 2 मामले SC ST के आ चुके हैं सीओ साहब पे, विद वीडियो प्रूफ करके दिया है। लेकिन सीओ साहब की मानसिकता देखिए, महिला है सम्मान करता हूँ, लेकिन मानसिकता देखिए किस प्रकार से इनके ऊपर भी SC ST में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब वीडियो प्रमाण देने के बाद भी SC ST एक्ट को काट दिया जाता है, इनकी मानसिकता देखिए कि किस प्रकार के लोग यहाँ चार्ज पर बैठे, ये हमारे लोगों को टारगेट करने के लिए चार्ज पर बैठे हैं। तो इलाज करना आप अच्छे से जानते हैं, जिस दिन आपके गेट के बाहर बैठेंगे आपको अंदर से बाहर नहीं आने देंगे। एक बार जोर से मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर चलकर आए, हमारे विधानसभा मंगलोर से विधानसभा, खानपुर से विधानसभा, रानीपुर से विधानसभा, चबरेड़ा से विधानसभा, रुड़की से जितने भी सम्मानित पदाधिकारी चलकर यहाँ पर आए हैं, भगवानपुर से, ज्वालापुर से जितने भी सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर चलकर आए, आप सबका सम्मान करते हुए मैं एक जयघोष के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा। उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे सम्मानित साथी जो माइक के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ा होकर घंटों घंटों बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो रुक जाओ फिर, 10 मिनट तक भी खड़े रहो, 10 मिनट तक भी खड़े। सम्मान करते हैं कि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हमारा इंतजार करके यहाँ से गए हैं, तो अभी उनके द्वारा बताया गया कि उप जिलाधिकारी महोदय आते हैं, बीच में ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं। मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ, जो अपनी बात रखना चाहता है क्या? अच्छा, मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ, जो साथी जहाँ से चलकर आया है कोई अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है। जितने भी साथी जहाँ से भी चलकर आया है आप सभी का सम्मान है, और आप भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन में आप कार्यरत हैं। जुल्म और जातियों के खिलाफ इसी प्रकार से आवाज को बुलंद करते रहेंगे, और इन संगियों को इसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब। विपक्ष में इलाज करने वाला कोई नहीं, इनका इलाज हमें कर सकते, अंध भक्तों का, हम ही हैं इनके डॉक्टर, इनकी दवाई हमारे भाई है। इनका इनका डॉक्टर बैठा है दिल्ली के अंदर, आज आंदोलन कर रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद, वो इलाज है, चिंता ना करो, धीरे धीरे समय बदलेगा, परिवर्तित होगा, ये तो समय है और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। आज धामी है तो कल को कोई और आएगा, तो चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। अरे जिस दिन हमारा टाइम आवा, जिस दिन हमारा टाइम आवेगा इनका ताले बंद करवा दूंगा मैं, जिस दिन हमारा टाइम आएगा ना इनका ताले बंद करवा दूंगा। जो गाय के नाम पर रो टोपी के नाम पर लोगों को टारगेट करें ना, धर्मसल निकटन देने का, मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ इस बात को। बहुत सारे लोगों को मेरी बात कड़वी लगे है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े इस चीज को लेकर, लेकिन गलत लोगों के खिलाफ हूँ, इनके ताले बंद करवा दूंगा उसी दिन,
जिस दिन ये जो है भागना शुरू करेंगे। अभी तो इनका सिस्टम है, सरकार में बैठे हैं, कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें। भाई हल्द्वानी में मुसलमानों को टारगेट कर लो, उत्तरकाशी में तुम दलितों को मार दो, नैनबाग में तुम दलितों को बच्चों को फीट दो, चंपावत में तुम दलित महिला के भोजन माता के हाथ से खाना मत खाओ, मत खाओ, कोई कह रहा तुम मत खाओ। हमारे घरों पर जब अच्छी दावत होती है, जब कोई शराब मुर्गे की दावत होती है, जब तो तुम फटाक से प्लेट छोड़ा कर लो, और हमारे हाथ का पानी फिर तो तुम दिक्कत हो। तो भाई हमारे बीच में हमारे ओनार साथी प्रवीण जी है, वो भी अपनी बात रखेंगे। सिंह भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।